पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी की मौजूदा हालत पर चिंता जाहिर करने के साथ ही पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि पार्टी को मजबूत होना चाहिए और जो कमियां हैं उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। संदीप दीक्षित से बात की हमारे सहयोगी अजय झा ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने यह कहा है कि सत्ता में वापस आना तो दूर की बात है, कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से दूर होती जा रही है पार्टी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित हैं। मुझे जहां तक याद है कुछ साल पहले आपने भी इसी तरह की राय रखी थी कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है बदलते समय के अनुसार अपने विचारधारा में अपनी सोच में परिवर्तन नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि पार्टी लोगों से दूर होती जा रही है। नहीं देखिए, इनके दो बात है। एक है कि हम कभी सत्ता में नहीं आ सकते, उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग इसी हालत में मध्य प्रदेश जीते, राजस्थान जीते, छत्तीसगढ़ जीते, 2019 का चुनाव एक दूसरे वातावरण में लड़ा गया, आने वाले चुनाव चुनाव नए वातावरण में लड़ा जाता है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर, मैंने भी कहा था कि हम एक तरीके से जो जिन चीज़ों के लिए कांग्रेस जानी जाती है उसमें हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन दो तीन चीज़ें जो आपने भी उस वक्त उठाई थी, आपको क्या लगता है कि कहाँ पार्टी भटक गई है जहाँ जिसको वापस पटरी पे लाने? देखिए, दो तीन चीज़ों में मुझे लगता है पार्टी भटकी है। पहली चीज़ तो मूलतः जो कांग्रेसी है, ठीक है, वो एक समतावादी समाज की तरफ देखता है, जिसका कहीं ना कहीं समाजवाद से कुंशांस हमने लिए हैं, लेकिन हम उसको अपनी तरीके से, जिसको अंग्रेजी में सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं, हम उस तरीके से हमेशा समाज को देखते हैं। बिल्कुल एक जिसको अंग्रेजी में न्यू लिबरल कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक IMF टाइप की जो एक आर्थिक व्यवस्था बनाई गई थी, जिसको अंश के रूप में हम लोगों ने अपने यहाँ भी, जिसको हम लोग उदारीकरण कहते हैं, तो उसका उदारीकरण वाला हिस्सा तो सही है, लेकिन उसको बिल्कुल सारे पूरे के पूरे देश को प्राइवेट सेक्टर को या निजी हाथों में बेच देना और उसके हाथ गिरवी रख देना, उसके खिलाफ कांग्रेस ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, चाहे वो बर्तानिया साम्राज्यवाद का निजीकरण हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों का निजीकरण हो, उसके खिलाफ हमेशा हम लोग खड़े रहे हैं। और जब जब हम उसके साथ खड़े दिखते हैं तब तो खुद हमारा कार्यकर्ता तो असमंजस में पड़ जाता है कि ये किस कांग्रेस में हम लोग हैं। छोटा सा आखिरी सवाल, चाहे आप हों, सलमान खुर्शीद हों, ऐसे नेता जो कांग्रेस की गलतियों की तरफ इशारा करते हैं, वो कहीं ना कहीं हाशिए पे जाते हुए दिख रहे हैं, या तो वो पार्टी से बाहर कई लोग चले गए, या आप जैसे लोग या सलमान खुर्शीद जैसे लोग जो कह रहे हैं कि पार्टी कहीं भटकी है अपने राह से, उनको कहीं ना कहीं कॉर्नर? नहीं, पार्टियों की गलतियों की तरफ नहीं मैं कहूँगा, कुछ कमजोरियों की तरफ कहूँगा। गलतियां अलग होती हैं और कमजोरियां कभी गलती के कारण भी हो जाती हैं, कभी नासमझी में भी हो जाती हैं, मिसगाइडेड भी हो जाती हैं, कभी कभी आप मिसगाइड हो जाते हैं अच्छे कारणों से भी। नहीं, यहां हाशिए पर मैं अपने आप को तो जरूर कहूंगा कि हाँ, क्योंकि कभी कभी एक गलत आदत होती है शायद कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की जो लोगों में उस समय ठीक असर ना छोड़ें, अपनी बात ज्यादा कहने की, लेकिन मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए चाहे मुझ जैसा कोई व्यक्ति हो, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं, ना मैं इस तरीके का बहुत ज़्यादा पोंटिफिकेट करता हूँ, लेकिन मुझे इतने ही में ही संतोष होगा कि अगर कांग्रेस पार्टी, जिसमें आस्था है मेरी, बिलीफ है मेरी, क्योंकि मुझे लगता है वही एक पार्टी जो सही के एक भारत का निर्माण कर सकती है, सही में भारतवासियों के पक्ष की और हित का काम कर सकती है, अगर ये सशक्त होगी तो उसके सशक्तिकरण में, उसको दोबारा से उसकी उभरने में, हम चाहे हाशिए से उसको असर कर सकें, चाहे उसके मध्य से असर कर सकें, पार्टी आगे बढ़ेगी तो हम जैसे लोगों के लिए देश उस दिशा में जाएगा जिस देश के प्रति हम लोग सही में अपनी आस्था और एक उम्मीद रखते हैं, और मेरे लिए उससे बड़ा कोई राजनीतिक अचीवमेंट नहीं हो सकती। धन्यवाद। तो साफ तौर से संदीप जी का कहना है कि कहीं ना कहीं चाहे भले उनकी स्थिति पार्टी में जो भी हो, लेकिन पार्टी को मजबूत होना चाहिए और जो कुछ कमियां हाल के सालों में देखने को मिली है उस पर पार्टी को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।